प्रतापगढ़ नगर पालिका की सभा प्रत्याशी ने लगाए नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ नगर पालिका की सभा प्रत्याशी गीता मिश्रा ने समाजवादी पार्टी में पत्रकारों से रूबरू हुई। गीता मिश्रा ने कहा, पिछले 20 वर्ष से नगर पालिका पर राज कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर क्षेत्र का विकास तो नहीं किया, अलबत्ता अपना और अपने परिवार का विकास नगर क्षेत्र की जनता के पैसे से जरूर किया। नगर पालिका को जमकर लूटा है। आज भी शहर की गलियां नालियां बज बज रही हैं। हम शहर का विकास, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के समुचित व्यवस्था को लेकर मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मुझे टिकट दिया है। आपको बता दें, गीता मिश्रा भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट मांग रही थी। टिकट न मिलने से सपा का दामन थामा और सपा ने ब्राह्मण वोटों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सपा से टिकट दिया है। आपको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, आपके क्या मुद्दे होंगे जो जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास का मुद्दा, नगर पालिका का विकास का मुद्दा। कौन कौन सा विकास, कैसा विकास? जहाँ पे विकास नहीं हुआ, निकल के देख रही हूँ, कल से मैं शहर निकल रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ कहाँ क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें। मैं खुद देख के आ रही हूँ, अभी वहीं से आ रही हूँ। मुझे पता है नालियों की, सर जहाँ कहीं कोई विकास हुआ तो जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ विकास नहीं, वहीं से मेरी शुरुआत। फिर आप देखिए, आप एक महिला हैं जी, क्या प्राथमिकताएं महिलाओं के लिए आपके शहर में आप देना चाहेंगे? पंजाबी मार्केट में, हॉस्पिटल में, कहीं देखिए आप, जो भी महिलाओं के लिए टॉयलेट बने, कहीं पंजाबी मार्केट आती है महिलाएं शॉपिंग, दिन दिन भर उनको लग जाता है कहीं कोई टॉयलेट बना है, कुछ नहीं बना है। पिछली सरकार ने क्या नगरपालिका पार्किंग की है जी, पार्किंग की भी है, लेकिन जो मूल समस्या आपने पूछी वो मैं बता रही हूँ, महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा सुरक्षा वो सब मैं करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।